गाती थी, दही मचते समय गीत गाती थी। तो गान ही परम लाभ था उसमें, दही इसलिए मच रही थी। अब सुखदेव गोस्वामी दही मचती हुई गोपियों का वर्णन कर रहे हैं, कितनी सुंदर लगती थी। तादीप दीप्तेर मणिभीर बिरेजु, दीप दीप्ते मणिभीर, जब दीपक घर में जल रहा था तो उससे गोपियों के जो गहने थे ये चमक रहे थे सभी। मंगला आरती में भगवान के मंदिर में बहुत प्रकाश नहीं किया जाता है, जब उनके पास जो दीपक रहता है उसको प्रकाशित किया जाता है, तो उस समय भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। थोड़े थोड़े प्रकाश में भगवान का मुख दिखाई पड़ता है, आभूषण दिखाई पड़ता है। तो श्री गोपी जन भी दीपक के ज्वाला से, उसकी उज्ज्वलता से जो गहने पहने थे वो गहने सब चमक रहे थे। तो उन गहनों के कारण श्री गोपियाँ बहुत सुंदर लग रहे थे। वीरेजु विशेषण रेजु राजती थे, और भी कारण था उनके विशेष रूप से विराजने का। रज्जु विकर्षद भुजकंकर स्रज, हाथ से दधिमंथन का लज्जु पकड़ करके खींच रहे थे। इसमें बहुत परिश्रम होता है, दही मथना साधारण काम नहीं है। दही मथने में दही को मथानी से हटाना पड़ता है, बार बार चलाना पड़ता है। तो गोपियाँ रस्सी चला रही हैं और उनके हाथों में कंकड़ कलाई में जो चूड़ियाँ हैं वो बज रही हैं। कंकड़ स्रज, स्र का अर्थ है माला श्रेणी, कंकड़ माने कंकड़ चूड़ी का मतलब ये शीशा की चूड़ी नहीं, ये प्लास्टिक की चूड़ी नहीं, सोने की चूड़ियाँ और भी चूड़ियाँ थी। तो वो झुनझुन झुनझुन बोल रहे थे। और चलन नितंब स्तन हार कुंडला, जब मस्ती थी तो उनका शरीर हिलता था। तो सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं भगवान की प्रेयसियों का, श्री गोपांगनाओं का। उस समय उनके नितंब हिल रहे थे, स्तन हिल रहे थे, हार हिल रहे थे और कानों में कुंडल हिल रहे थे। चलत करते हुए हिल रहे थे। चलन नितंब स्तन हार कुंडल, और कुंडल के कारण त्विषत तु ईषत कपोला ऋण कंकुमानना, कुंडल चमक रहे थे इसके चलते त्विषत का गोपियों के गाल बहुत सुंदर लग रहे थे। कपोला ऋण और दही मथने से थोड़ा परिश्रम हुआ था, जो परिश्रम करने से मुख लाल हो जाता है ऐसे भी। तो गोपियों के आनंद अर्थात मुख अरुणिमा से युक्त थे। कुमकुम आनना और कुमकुम लगाई थी अपने मुख पर, इससे उनका मुख बड़ा सुंदर लग रहा था। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, उद्गायती नाम, और वे बहुत उच्च स्वर से, मधुर स्वर से, यह उच्च कार्थ है मधुर स्वर। उद्गायती नाम मतलब उच्च स्वर से, मधुर स्वर से गा रही थी। किसके विषय में गा रही थी? अरविंद लोचनम, कमल नयन भगवान के विषय में गा रही थी। श्री कृष्ण को कमल नयन कहते हैं, आँखें बड़ी सुंदर हैं कमल के समान। कमल की सुंदरता और कमल से शीतलता प्राप्त होती है और उसमें सुगंध होता है,
इस भाव का वर्णन है सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि वे गा रहे थे कमल लोचन को, कमल नयन को। इसका अर्थ है कि सौंदर्य प्रधान गीत था, गा रहे थे तो कितना श्याम सुंदर सुंदर हैं, इसी का गान कर रहे थे। ये गान प्रधान था, और भी लीलाएं गा रहे थे, लेकिन अरविंद लोचन कह करके सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि जिनकी आँखें अरविंद अर्थात कमल के समान हैं उनका गान कर रहे हैं। इससे सौंदर्य प्रधान गान सूचित होता है, भगवान की सुंदरता को गा रहे थे। और जो कंकड़ थे हाथ में वे करताल का काम कर रहे थे ध्यान से, और ये गा रही थी सुंदर उच्च स्वर से गा रहे थे। तो कई घरों में, लगभग सभी घरों में गान चल रहा था, तो गोपियों का वो मिलित स्वर पूरे स्वर्ग तक फैल रहा था, स्वर्ग तक जा रहा था, देवता भी सुन रहे थे उसको। दिवम अस्पृशत ध्वनि, दिवम का अर्थ है देवताओं का लोक, आकाश, आकाश में रहने वाले देवता सब सुन रहे थे। ब्रजांगनाना और गोपियों का गीत, वैसे ब्रज की गोपियाँ स्वतः ही सबसे अच्छा गाती हैं, विषय भी और कंठ भी, स्वर भी, राग सब श्रेष्ठ है उनका। विषय तो अरविंद लोचन है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में गाती हैं, और कंठ बहुत सुंदर है, भगवान की प्रेयसियाँ हैं, तो भगवान के समान ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ब्रजांगना नाम कह रहे हैं, ब्रज की अंगनाएं, ब्रज की नारियां गा रही हैं। दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रित, तो गोपियों का गान मुख्य है, और उसके साथ साथ देने वाला बाजा क्या है, दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रित, और दही के मथने का जो शब्द है घरर घरर, और जो गा रहे हैं तो उसी राग में वो मथ रही हैं। अलग से ढोलक की जरूरत नहीं है, दही मथने का जो शब्द है वही वाद्य का काम कर रहा है, और कंकड़ जो हाथ में है यही करताल का काम कर रहा है, करधनी कमर में जो बांधी हैं इसमें भी कुछ शब्द निकल रहा है। तो इन शब्दों के साथ गोपियों का गान चल रहा था, दही मथने का शब्द, ये सब मिल करके निरस्यते जन दिशाम मंगलम, ये भगवान कृष्ण का यह गान कीर्तन स्वर्ग तक जा रहा था, और दसों दिशाओं का अमंगल दूर कर रहा था। अमंगल इस जीवन में जो दुख है, और परलोक में जो दुख है, और सबसे भारी अमंगल है अन्य वासना, श्री कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण सेवा को छोड़कर के जो अन्य वासना है इसको अमंगल कहते हैं। गोपियों का गीत सुनने पर दसों दिशा में जितने भी जीव थे, मनुष्य देवता आदि, इनकी वासना दूर हो रही थी, गोपियों के गीत का प्रभाव था। आप इससे समझ सकते हैं, जिनके गीत का प्रभाव ऐसा है कि सामान्य व्यक्ति की अविद्या खत्म हो रही है, कर्म वासना खत्म हो रही है, उन गोपियों में कैसे कर्म वासना रह सकती है जिनके गीत का प्रभाव। वास्तव में गायक की चेतना पर भी गीत का प्रभाव पड़ता है, केवल गान कला जानने से ही गीत का आनंद नहीं आता है, जो गा रहा है उसका वो अर्थ समझता हो और उसकी उसमें रुचि हो तब उस गीत का आनंद आता है। कोई आयोजन करके गोपियाँ नहीं गा रही थी, प्रतिदिन का दैनिक कर्म था उनका, दैनिक कर्म दही मथने का, और वह गीत दसों दिशाओं, जिन दिशाम अमंगलम, दिशम मतलब दसों दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा था, अर्थात दसों दिशा में जितने भी जीव थे उस गीत को सुन करके कृष्ण भावना भावित होते थे, भगवान कृष्ण में प्रेम बढ़ता था।
भगवान के भक्ति के अलावा जो भी है अमंगल है. कर्म कांड ज्ञान कांड केवल अभिषेक भांड. ये काम धंधा करना अथवा सन्यासी होकर के काशी में जाकर के रमना या हरिद्वार में रहना, ये केवल विष का बर्तन है. चाहे घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति हो चाहे विरक्त हो, दोनों बेकार है कृष्ण भक्ति के बिना. ये कर्म कांड से तात्पर्य है यज्ञ आदि करना है, लेकिन ये भी कर्म कांड ही हुआ ना. आदमी अपने जीने के लिए देह के लिए काम करता है, परिवार के लिए काम करता है, पर कृष्ण भक्ति नहीं करता है तो ये केवल विषेर भांड, विष का बर्तन है. घर गृहस्थी ये विष का बर्तन है, जहर है सब. जानिया सुनिया विष खाएं. मनुष्य शरीर पा करके भी भगवान का व्यक्ति भजन नहीं करता है. मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाएं. विष खा रहा है व्यक्ति और जलन का अनुभव भी होता है. कोई समाचार पूछे तो आदमी कहे क्या करें, मर गए, कोई सुख नहीं मिला, न बच्चा हमारे कंट्रोल में है और न पत्नी बात मानती है, फिर भी इन्हीं लोगों के लिए मर रहा हूँ. तो यही विष खाना है ना, जलन का अनुभव हो रहा है और स्वयं भी जानिया और दूसरे लोग कहते भी हैं कि जहर है विष है विष है, फिर भी उठाकर पी लिया. जानिया सुनिया विष खाएं. तो जो स्वयं व्यक्ति जानता है कि इसमें दुख है और दूसरे लोग भी कहते रहते हैं, साधु महात्मा शास्त्र आदि कहते हैं कि दुख है दुख भी, जानिया सुनिया विष खाए. जानता था और सुना भी, लोग मना कर रहे थे जहर है जहर है जहर किसी से है, लेकिन उठाकर पी लिए. जानता हूँ कि जहर है और दूसरे लोग भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी पी लिया. ये बात सत्य है कि नहीं, सबके लिए सत्य है. जानिया सुनिया विष खाए. तो करना क्या है, क्या करना चाहिए, विष न पी करके करना क्या चाहिए. ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैला से बलराम हैला निताई. जो ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रजेंद्र श्री नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण, वही निमाई हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए. और बलराम हैला निताई, और श्री बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में है, निताई के रूप में. तो ये बहुत बड़ा धन लाए. गोलो केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मी लके निताय. गोलोक का धन लाए, वह क्या, हरि नाम संकीर्तन. श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन श्री कृष्ण लाए गोलोक से. ये जो शब्द है भगवान के का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये इस संसार का शब्द नहीं है, इस जगत का शब्द नहीं है, प्राकृत जगत का. ये गोलोक का चिन्मय शब्द है जिसको भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु लाए संसार में. गोलोक का शब्द है, शब्द भी भिन्न भिन्न जगह का होता है. जैसे रेडियो में हम लोग सुनते हैं तो शब्द यहाँ का नहीं रहता है, सुनता है आदमी यहाँ बैठकर. मान लीजिए खड़िया में सुन रहा है कोई रेडियो, तो यहीं का शब्द नहीं है. हो सकता है वो दिल्ली का शब्द हो या पटना का शब्द हो, बीबीसी लंदन का शब्द हो, है ना. ऐसे ही हम लोग सुनते हैं बोलते हैं इस भगवान के नाम को, लेकिन ये महामंत्र या भगवान का कोई भी नाम ये गोलोक से उतरा है, यहाँ का शब्द नहीं है. और इसलिए भगवान यह जगत में लाए कि इसके सहारे इसका आश्रय लेकर के जीव गोलोक चला जाएगा, इसीलिए यहाँ लाए. लेकिन इतनी कृपा एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिद्र स्मिहा जनिनान राग.
भगवान की ऐसी कृपा लाए गोलोक से, लेकिन रति ना जन्मिला के नेता। बहुत दुख की बात है कि भगवान के कीर्तन में जप में हमारी रुचि नहीं हुई, ये दुख की बात। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं रति ना जन्मिला के नेता। इतना सरल साधन, ये तो एलिवेटर से लिफ्ट से भी ज्यादा सुलभ है। लिफ्ट भी इतना तेज गति से जाए तो उसमें भी आदमी उब जाएगा गोलोक पहुँचते पहुँचते, है ना। उसमें परिश्रम है, एक तो बिजली चाहिए, करंट चाहिए। अगर लिफ्ट जा रहा है बीच में करंट चला गया तो फिर। लेकिन ये नाम ऐसा है कि डायरेक्ट भेजता है, तत्काल भेजता है, बहुत फास्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपी जनों का वह शब्द उनके मुख से निकला हुआ सभी दिशाओं का, दिग्वर्ती जनों का अमंगल दूर कर रहा था। तो भगवान के कीर्तन को यदि कोई सुनता है तो उसका अमंगल दूर होता है, उसकी वासनाएं मिटती हैं। वासनाएं ही दुख की जड़ हैं। अनेक कामना, भोगों की कामना जो है यही दुख का मूल है। तो सबका दुख दूर हो रहा था। श्रील जीव को स्वामी पाद लिखे सब वासनम, वासना के साथ सारा बीमारी दुख का शोक दूर हो रहा था। ये प्रभाव था उनके गीत का। वे तो सहज गा रही थी, उनका चित्त अरविंद लोचन में आसक्त था, तो उन्हीं के विषय में बोलती थी, गाती थी। भोर में दही मस्ते समय भी वही गा रही, सब समय गाती थी, लेकिन खास करके दही मथते समय एक अवसर होता था गाने का, गाती थी। और एक बात और भी, काम छोड़ करके नहीं गाती थी, काम के समय भी गाती थी। यदि किसी को समय नहीं है कि भाई काम धंधा छोड़ करके गावे, तो काम करते समय गाना चाहिए। अपना अपना काम है, परिवार के लिए, समाज के लिए, देह के लिए काम करना है, और नहीं छूट रहा है, तो जहाँ है वहीं से पुकारिए भगवान को, जहाँ है वहीं से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारी भारी विपत्ति के समय में भी भजन किया गया है। द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास कर रहा था दुशासन, अब उनको कीर्तन करने का दूसरा अवसर नहीं था कृष्ण को बुलाने का, तो उसी दशा में वो बुलाने लगे, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, जल्दी आइए। कृष्ण को कह दिया द्वारकावासी। बाद में द्रौपदी ने पूछा था भगवान से कि आप हमारे साड़ी को बढ़ाए, वस्त्र को बढ़ाए, तो देर करके क्यों आए। तो भगवान विनोद में कहते हैं, कृष्णा तुमने हमको द्वारकावासी कहा, इसलिए द्वारका से मुझे चलना पड़ा, तो देर हुई आने। देर हो गई आने में, द्वारका दूर है ना हस्तिनापुर से। तो दूसरी बार जब कृष्णा ने पुकारा, द्रौपदी जी ने, जब दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 चेला लेकर गए थे उपद्रव करने के लिए, तो उस दिन महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, अक्षय पात्र में कुछ है, तो द्रौपदी जी ने कहा नहीं, मैं तो खा ली हूँ, खा करके धो करके रख दी। तो फिर बड़े चिंता में पड़ गए, अब कैसे जान बचेगी। इतने क्रोधी ऋषि, और वो भी शिष्यों के साथ, उनको भोजन नहीं मिलेगा, बड़े क्रोधित होंगे, भस्म कर देंगे। तो उन्होंने ही कहा कि द्रौपदी, भगवान तुमसे बहुत स्नेह करते हैं, तुम अगर उनको पुकारोगी तो जरूर आ जाएंगे।
इसलिए तुम बुलाओ कृष्ण को। तो द्रौपदी जी सावधान थी उस समय, वे कहती हैं हे कृष्ण, हे घट घट वासी, आप हमारा संकट दूर कीजिए। द्वारका वासी नहीं कहे तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो 10,000 तो भूखे थे ही, एक और भूखा आ गया। आते ही भगवान कृष्ण ने ऐसा नाटक किया, कहा कि मैं बहुत दूर से आया, अब हमको तुम भोजन दो, हमें बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। द्रौपदी तो बहुत चिंता में पड़ गई। अक्षय पात्र में सब कुछ रहता था, लेकिन जब द्रौपदी खा लेती थी तो उस दिन के लिए वो शेष हो जाता था। उसने कहा कि गोविंद, मैं तो पात्र को धो चुकी हूँ और कुछ है नहीं। तो भगवान यहाँ तक कहते हैं, महाभारत में लिखा है, द्रौपदी मुझे उपहास अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी भूख लगी है कि यदि कुछ खाने को ना मिले तो लगता है प्राण चला जाएगा। तू कहने लगे कुछ है ही नहीं, कुछ बनाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं बनाने में प्राण निकल जाएगा, तुम वो बर्तन लाओ जिसमें भोजन बनता है। शायद धो कर रखे थे कि बिना धोए रखे थे, जो भी हो भगवान मांगे। नहीं नहीं होगा, बर्तन में जरूर कुछ होगा, जरूर कुछ होगा। अरे कुछ है नहीं है, तो भगवान ने कहा बर्तन लाओ। तो द्रौपदी जी बर्तन उठा कर लाई, उसमें एक बथुआ का पत्ता सटा हुआ था। बथुआ समझते हैं ना, साग का पत्ता सटा हुआ था। तो उसको ले करके भगवान कहते हैं, अरे इससे तो सारा संसार तृप्त हो सकता है, इतना अच्छा भोजन है। इसके बाद भगवान खाए उसको और खा करके डकार दिए, पेट बहुत भर गया। जब इधर डकारे तो उधर 10,000 ऋषि लोग जल में अघमर्षण मंत्र का जप कर रहे थे, नहा लिए थे, अब जप कर रहे थे। अब जप करके सब लोग सोच रहे थे, मनोरथ था कि महाराज युधिष्ठिर के यहाँ आज निमंत्रण है तो चलेंगे खाएंगे। लेकिन जप करते समय में ही पानी के भीतर ही खड़े थे और उनका पेट बिल्कुल भर गया, आकंठ पेट भर गया। एक ऋषि दूसरे को देखता है, केवल हमारी ये दशा है कि उसका है, तो वो उसके तरफ देख रहा है। दसों परस्पर देखने लगे। अब दुर्भाषा जी का भी पेट ऐसा लगता था कि अब उल्टी तो नहीं, लेकिन वो बहुत सुगंधित और स्वादिष्ट प्रसाद था, अब क्या करेंगे। तो सबने कहा गुरु जी हमारा तो पेट भर गया, हमारा पेट भर गया, हमारा पेट भर गया, गुरु जी का भी पेट भर गया था। तब तो हमने इतना रंधन करवाया, इतना रसोई करवाया महाराज युधिष्ठिर से, तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। ये लोग जानते थे कि रसोई खूब बना होगा उधर, कुछ नहीं हुआ था। तब दुर्वासा जी ने कहा कि ये पांडव भगवान कृष्ण के भक्त हैं और हम लोग इनको सताने चले हैं, इतना पाप करवा करके नहीं खाएंगे तो दंड भगवान दे सकते हैं। तो सुदर्शन चक्र की याद आने लगी। एक बार एक साल तक दग्ध किए गए थे सुदर्शन चक्र से, अम्बरीश महाराज के विषय में एक कथा है। तो इन्होंने कहा तो अब क्या करें, अब तो जाएंगे और नहीं खाएंगे, बड़ा अपराध। तो सुदर्शन चक्र के भय से दुर्वासा जी ने कहा, देखो जिसको जिधर रास्ता मिले भागो, वो आ ही रहा होगा सुदर्शन चक्र। जिसको जिधर रास्ता मिले भागो, एक साथ मत भागो। वो तो सब ऋषि थे, बड़े पहुँचे हुए योगी थे, महात्मा थे। कोई आकाश में वहीं से उड़ा, कोई धरती में धसा, कोई इस दिशा उस दिशा, सब भाग गए, एक भी वहाँ नहीं रहा। और भगवान खा करके वो साग भीमसेन से कहे, नहीं युधिष्ठिर महाराज से कह के बुलाना चाहिए ऋषियों को। युधिष्ठिर महाराज
कैसे बुलाएं आएंगे मैं निमंत्रण दिया हूँ खाने के लिए कुछ है नहीं तो बुलाओ तो बुलाइए तो तुम्हारे जो ऋषि ने भीमसेन को कहा जाओ घाट पर देख करके आओ सरोवर को ले करके आओ उन लोगों को। तो भीमसेन जी जब गए तो वहाँ चारों तरफ सरोवर भींगा हुआ था ये पता तो चल रहा था कि बहुत लोग आए थे नहाए थे। तो वहाँ के ऋषि जो दूसरे रहते थे उससे पूछे यहाँ दुर्वासा जी और उनके शिष्य लोग आए थे तो बताएंगे हाँ आए तो थे लेकिन अकस्मात कहाँ चले गए पता नहीं लोग बताए अकस्मात चले गए तो जोर जोर से आवाज़ कर रहे हैं दुर्वासा जी आप अपने शिष्यों के साथ आइए पंघट कीजिए टाइम हो गया है ये लोग जानबूझ करके देर करके आए थे। दुर्योधन ने कहा था कि आप लोग तब जाइएगा जबकि द्रौपदी बेचारी खा ले अच्छा से उसको कोई कष्ट ना हो। जानते थे कि द्रौपदी खा लेती है तो अक्षय पात्र खत्म हो जाता है उसका बर्तन उसमें बनाया हुआ पदार्थ तो ये लोग भी टाइम बिता करके चले थे। अरे सब भाग गए पता नहीं किधर गए। आकर के भीमसेन युधिष्ठिर महाराज से कहे भगवान वहीं थे सब तो भाग गए पता ही नहीं है। निमंत्रण स्वीकार करके और सब कहीं चले गए कहीं दूसरी जगह मिल गया होगा भंडारा ये बेहतर मिला होगा चाहे उसमें दक्षिणा मिलने वाली होगी इसलिए भाग गए। साधुओं का तो कोई ठिकाना नहीं रहता जिधर दक्षिणा मिले तो चले जाए तब भगवान ने कहा सारी कथा कि ये खड़यंत्र था दुर्योधन के द्वारा आप लोगों को दुर्वासा जी के साप से भस्म कराना था लेकिन कोई बात नहीं आप लोग सुकृति हैं पुण्यवान हैं बच गए। ये कथा स्वयं अर्जुन भी कहे हैं कि भगवान कृष्ण ने दुर्वासा जी के साप से हम लोगों को बचाया। खाते समय में भी ले सकते हैं खाते समय में भी लोग दूसरी बात बोलते हैं उसके बदले भगवान का नाम बोलना चाहिए। खाईते सुईते सुईते में सोते समय जथा तथा नाम लो देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है स्थान का बंधन नहीं है कि इस स्थान पर ही नाम लीजिए मंदिर में आकर कहीं जप कीजिए कोई जरूरी नहीं है जहां पर ले सकते हैं ले। दौरी हाँकते समय हल चलाते समय गाय चराते समय या भैंस धोते समय चराते समय कभी भी नाम ले सकते हैं किसी भी काल में और किसी भी काम के समय जब कर हाँ केवल बाथरूम में नहीं लेना चाहिए कोई शौच कर रहा है और हरे कृष्ण हरे हाँ अगर 24 घंटा बोल सकता है तो उस समय भी बोले कोई बात नहीं। हमने सुना है अपने कान से गोरखपुर में श्री राधा बाबा थे भाई जी के साथी तो वे बाथरूम में नहाते समय जोर जोर से बोला करते थे गीत गाते थे भगवान कृष्ण का नहाते समय बोलते रहते थे हम बाहर से सुनते थे। बहुत सिद्ध महात्मा उच्च कोटि के एक बार नियम लिए काष्ठमान और काष्ठमान तोड़े तो कुछ दिन राधा राधा नाम बोलते थे बस राधा राधा और कुछ भी नहीं तो इसीलिए उनका नाम राधा बाबा हो गया। तो ये बोलते थे कई बार लोग पूछते हैं भक्त लोग क्या हम बाथरूम में नाम ले सकते हैं
हाँ और समय में लेते रहते हैं तो स्वभाव बन जाएगा तो उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन और समय में न लेकर के बाथरूम में ही लेंगे तो ये कौन सा घर है। सब समय लिया जा सकता है भगवान का नाम। तो गोपीजन अपने गृह कार्य को करते समय भगवान का कीर्तन करते थे, और अच्छा समय होता था जो दही का मंथन हो रहा था तो वो ढोलक का काम मृदंग का काम करता था, घरर घरर ढंग से बजता था, और हाथों में कंकड़ थे तो अलग से कोई करताल झाल लेकर के बजाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये परफेक्ट कीर्तन है, इसमें कीर्तन प्रधान होना चाहिए। यानी गाने वाले का शब्द समझ में नहीं आ रहा है या ढोला काली सब ढा 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 ढा, कीर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गाया जा रहा है वो साफ समझ में आना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए, और ढोलक करता ले तो उसका साथ देने वाले उसके पीछे चलने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ढोलक इतना बजता है करताल वही स्वभावी हो जाते हैं और कीर्तन बेचारा दब जाता है। गोपियों के हाथ में कंकड़ चूड़ियां और कमर में करधनी जिसमें छोटी छोटी किंकड़ियां लगी हैं, किंकड़ी उसको कहते हैं क्योंकि वो छोटा बजता है, किण किण करता रहता है तो किंकड़ी कहते हैं, छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी घंटियां होती हैं उसमें, इस तरह से कीर्तन चल रहा था। बहुत सुंदर वर्णन है कि निरस्यते जैन दिशान मंगलम और दसनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रित। कीर्तन कैसा था, कीर्तन में गोपियों के सुंदर कंठ में आवाज में दही मथने का शब्द भी मिश्रित था। दसनश्च दही का मंथन और इसके साथ कंकड़ की ध्वनि मिली हुई थी और दही मथने का शब्द मिश्रित शब्द, तो बहुत सुंदर संगीत चल रहा था। गोपियों के श्रीमुख से गाया हुआ गीत दसों दिशाओं में रहने वाले सभी जीवों के अविद्या को अज्ञान को दुर्वासना को नष्ट कर रहा था। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी दूसरे दिन का वर्णन कर रहे हैं। तो रात बीती, एक रात जिस रात पहुंचे उद्धव जी तो उनकी भेंट नंद बाबा और यशोदा जी से हुई। गोपियों को पता नहीं था कि उद्धव जी आए हैं, कोई पहले से सूचना नहीं थी, और शाम के समय रात्रि काल में जब प्रवेश किए ब्रज में तो उस समय गौओं के खुर की धूल उड़ रही थी तो इसलिए दिखाई नहीं पड़ी, कोई भी व्यक्ति देखा नहीं। ये साक्षात नंद बाबा के द्वार पर आए थे तो नंद बाबा से रात भर बातचीत जो हुई अब सुने हैं। अब भगवती उदिते सूर्य नंद द्वारी ब्रजल कसह दृष्टवा रथम सात कौम कश्यायामिति चब्रवन। भगवती सूर्य उदिते, भगवान सूर्य जब उगे, भगवान सूर्य के उगते समय नंद बाबा के द्वार पर नंद द्वारी, नंद बाबा के द्वार पर ब्रजवासियों ने अर्थात गोपियों ने रथम दृष्टवा रथ देखा, सात कौम सोने से मढ़ा हुआ रथ, तो आपस में बात करने लगी। गोपियों ने देखा, उनका एक नियम था एक खास समय पर सवेरे कहाँ कहाँ, वो निश्चित किया था कि यहाँ सब काम धंधा छोड़ करके जुटती थी
कई जगह की गोपियां जुटती थी, एकत्र होती थी, तो एकत्र होने लगे धर दर्श। नंद बाबा का भवन बहुत प्रसिद्ध था, वहाँ एक सोने का रथ खड़ा था। सोने का रथ मतलब सोने से मढ़ा हुआ, उसमें परिच्छद जो भी लगे थे सोने के, सोने से सजाया हुआ मालाओं से और सोने के।